अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बल्लू, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझे इतना प्यार दिया मुझे दो व्लॉग में। तो ऐसे आगे प्यार दे दीजिएगा, ऐसी मोहब्बत करते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं कुछ ना कुछ नया लाते रहूंगा। तो आज का सीन कुछ ऐसे है कि आज हम लोग को जानी है कुछ वीडियोस वगैरह बनाने, तो मैं उसामा को कॉल करता हूँ, देखो क्या बोलता है वो। वैसे तो मुझे बोल रहा था कि चलना है, अभी मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। उसामा भाई कह रहे हैं मुझे बहुत टाइट बुखार हो रहा है, तो जाके देखते हैं वो बुखार हो रहा है या हमें बुखार चढ़ाना चाह रहे हैं वो, क्योंकि उसकी आदत है लड़कियों में घुसे रहने की। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, तो टोपी अक्सर करवा देता है। तो मिलते हैं उसामा भाई के घर पे। तो हम पहुंच चुके हैं उसामा भाई के घर पे। उसामा भाई का गेट मेरे ख्याल से खुला हुआ ही है, पता नहीं शायद कोई अंदर हो ना हो। उसामा भल्लू और कौन आ जाऊं? नहीं भाई, बाकी में भाई वाकई में बीमार है लोंडा। मैं घर से सोचते हुआ रहा कि मुझे टोपी करवा रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, किसी लड़के से कहीं ना कहीं लगा होगा। नहीं यार लड़ना, वाकई में बीमार है इसकी। अभी ओए जानुष के तो नहीं उड़े ना चादर? तबीयत वाकई में खराब है, चेक करा? चेक कर रहे हैं। हाँ यार बुखार तो हो रहा है, झूठ नहीं बोल रहा, बुखार हो रहा है। और उसामा कैसा है? ठीक ठाक। तो उसामा भाई आपके पास आने की मेरे पास दो वजह है। क्या? एक वजह बहुत ज्यादा खास है, एक वजह ऐसी है ना। दोनों बताओ। दोनों बताता हूँ। तो पहली खास वजह जो है ना, वो भाई मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके पास है लड़कियाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और दूसरी जो वजह है वो छोटी सी, मैं आपकी तबीयत ऐसी बहाने से पूछना आया हूँ। देखो लड़कियों को तो बोलो नहीं, तुम शादीशुदा हो। क्या मतलब? ये लोग देख लेंगे बिना वजह। नहीं यार बात पता है क्या है, शादीशुदा हूँ क्या मतलब, दिल नहीं है क्या? अच्छा, अरे कहना क्या चाहते हो? फेम है माशाल्लाह, 7 लाख फॉलोअर वगैरह स्नैप दूसरी आईडी पे। तो भाई ये सब उसामा भाई की बदौलत, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहे। तो जब भी मैं इनके साथ हर सारी बातें कर लेता हूँ, हर सारी बातें शेयर भी करता हूँ। तो उसामा भाई आप किस तरीके से मेरी हेल्प करेंगे? अभी भाई हमारा हमेशा साथ रहे आपके, 5 साल हो गए, इंशाल्लाह आगे भी साथ रहे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे है ना अभी सिर्फ लड़कियाँ चाहिए। क्या बोला तूने? अभी सिर्फ लड़कियाँ चाहिए। चल नहीं मतलब वैसे नहीं चाहिए मुझे कमेंट्स चाहिए यूट्यूब पे ना, लड़कियों के कमेंट्स। मतलब खुशी हुई कि नहीं यार बल्लू एक मतलब प्लेटफॉर्म पे आ गया और कर रहा है मेहनत। तो भाई सब आपकी मोहब्बत है, सामा भाई ये सब बता रहे हैं, आप लोग भी ऐसे प्यार करना, मुझे करते हो ना प्यार, खाली मुंह से कर। नहीं 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 सामा भाई वाला प्यार समझ रहे हैं लोग। तो आप मुझे ये बताएं, तबीयत बताएं, चलो ईमानदारी की बात है, मजाक बहुत हो गया, तबीयत के बारे में बताओ पहले। खराब है मौसम, आपको पता कैसे चल रहा है, फीवर फ्लू, सर में बहुत दर्द, मतलब तबीयत डाउन। अच्छा मैं आपको एक बताऊं, आजकल के दौर में ना खूबसूरत होना बड़ा एक मसला है। तो माशाल्लाह हमारे उसामा भाई बहुत खूबसूरत हैं। वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो अक्सर लड़कियां भाई ये शक्ल देखो और एक ये शक्ल देखो, तो लड़कियां किस पे जाएंगी? इस पे जाएंगी ना। ये हमें दे दे। तो भाई ये भाई हंसता रहता था, बोला नहीं भाई मैं किसी को दूंगा। तो माशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे इसका लड़के हैं। और मेरा भाई जो बात, अल्लाह पाक ने तो इज्जत दी है, अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, बाकी सबको पता है उसामा कैसा आदत का। नहीं एक बात मैं और बताना चलूँ कि उसामा वाकई में दिल का बहुत अच्छा है, एक सपोर्ट करने वाला बंदा है। जैसे कि मैंने बताया कि उसामा ने भी शुरू से आखिर तक सपोर्ट किया है, तो ऐसे इसने काफ़ी लोगों को भी सपोर्ट किया, लेकिन उन लोगों ने मतलब अपना रंग दिखाया। तो दूसरा उसामा भाई मैं आपको बताते चलूँ, मुझे एक बंदे ने और सपोर्ट किया था, मुझे हारून राज ने भी। अच्छा हाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, आप तकरीबन पाकिस्तान में लोग जानते होंगे कि हारून राज को, माशाल्लाह अच्छी वीडियो बनाता है, अच्छा फैम है उसका, कोई मुकाबला नहीं उनसे। हाँ तो उसामा भाई हारून राज के बारे में कुछ आप बोलेंगे? मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, मतलब मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ उनसे ना। बाकी ये कि मतलब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पाकिस्तान में कोई चीज नहीं कर सकता जो उन्होंने की। ये बात बिल्कुल सही है, हारून वाकई में हमारे ऐसे वीडियो बनाता है कि मजा आता है, लोग उसको देखते हैं, रुकते हैं लोग उसको वाकई में। उसामा भाई क्या बोलते हैं? बोलते हैं नहीं यार ब्रांड, ब्रांड बोलते हैं इसको, लेजेंड। हाँ तो ये सब हमारे हारून भाई की बहुत मेहरबानी है, जो बात हकीकत है। अभी मैंने दो व्लॉग बनाए और दोनों व्लॉग पे माशाल्लाह उन्होंने मुझे कमेंट्स किया, मेरी हौसला अफजाई की, इससे बड़ी क्या बात होगी उसामा भाई? बहुत बड़ी बात है यार, एक मतलब एक इंसान मतलब बोलते ना कि एडिटेड होगा कुछ होगा, नहीं हारून भाई वो बंदा है, वो बोलते हैं मेरे को मोहब्बत दो, मैं रिटर्न में इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम थक जाओगे, और हकीकत है बहुत इज्जत करते हैं, मतलब कभी ये नहीं सोचते कि छोटा बड़ा। तो अभी रिसेंटली मैं हारून भाई के घर पे गया था किसी काम से, ऐसी वगैरह का आप तो जानते हैं, ऐसी वगैरह काम का नहीं जानते तो पता कर लो भाई, मैं ऐसी का काम भी करता हूँ, फ्रिज का काम भी करता हूँ, गैस डलवाने तो मुझे बता देना मैं डाल दूंगा। हाँ
यूट्यूब से बाद में पैसे आएंगे, पहले इस पैसे पैसे लेना मुझे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अरुण भाई के घर पे गया था मैं, तो अरुण भाई से मैंने कहा यार अरुण भाई आईडी वगैरह मेरी ऐसी चल रही है, तो अरुण भाई ना टेंशन क्यों ले रहा है तू खड़े हो, तो अरुण भाई ने ना कुछ बोलेंगे तो उसामा भाई आपको याद है अरुण भाई ने क्या बोला था? बिल्कुल याद है, और जो बोला था हकीकत बोला था वो। अरुण ने कहा था कि भाई ये वो बल्लू है कि जब मैं जंगल में, मतलब जंगल हमारा पीछे बात कर रही है पूरा सन्नाटा रहता ग्राउंड है, तो वहाँ वही लोग आते हैं, तो मैं सबसे पहले मैं अरुण से मिला था इन दोस्तों में, उसका बड़प्पा ने वो हमें सपोर्ट करता था और आज भी हमें याद रखता है। आज माशाल्लाह उसका क्या मकाम है उसामा भाई, बिल्कुल, और हमें भूलता नहीं है वो, नहीं भूला, कभी नहीं भूले, और अभी भी इज्जत करते हैं, अभी भी मिलते हैं, अभी भी एक मोहब्बत है उनको और वो रहेगी इंशाल्लाह। हाँ तो बल्लू आज क्या खाया तुमने खाने में? अभी हाँ। अभी तो सिर्फ नाश्ता करा मैंने भाई, जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया रातों की नींद ताबा और बर्बाद हो गई है। भाभी क्या बोल रही, भाभी का क्या रिस्पॉन्स है आपका? भाई दो तीन दिन के बाद अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो शायद मुझे लात पड़ने वाली कमरे से। भैया योगा देख लो, शादीशुदा मर्दों का यही कहानी है, अब आप देखो इनकी कहानी सुन लो आप। भाई कहानी तो क्या सुनाऊं, कहानी तो बहुत लंबी है, वीडियो 4-5 घंटे की बन जाएगी, मुख्तसर बताता हूं। शादी के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बीवी के ताने, बीवी की बातें, बीवी के सारे काम करो, वरना नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी है। खैर असाम भाई अब मुझे कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़ा समझ रहे हो इंशाल्लाह, तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, एकदम साथ काम करेंगे। असामा भाई थोड़ी तबियत ठीक नहीं, तो इस वजह से हम लोग तकरीबन 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते से वीडियो नहीं बना रहे साथ। और बाकी यार मसरूफियात जिंदगी इतनी हो गई है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, तो असामा भाई जो सिंगल है दुआ करता हूँ कि असामा भाई डबल हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ करो यार, बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप लोग जल्दी से इसको सपोर्ट करें, लाइक कमेंट और बेल आइकन भी दबाओ यार। मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही करना है, मैं इंशाल्लाह आपको बोर नहीं करूंगा, ये गारंटी है, बोर नहीं करूंगा, एंटरटेनमेंट बस इंशाल्लाह आपको मुस्कुराते रखूंगा, क्योंकि बल्लू का काम ही मुस्कुरा के रखना ये। हाँ तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।